उत्तर प्रदेश में वाराणसी की ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर छिड़े विवाद की आग अब इंदौर तक पहुंच गई। दो दिन पहले इंदौर के एक संगठन के द्वारा शहर के कई इलाकों में बने सार्वजनिक शौचालयों पर औरंगजेब मूत्रालय के पोस्टर लगा दिए गए। आश्चर्य की बात यह रही कि शहर के मुख्य सड़कों पर शुमार एबी रोड पर दो दिन पहले 50 से अधिक की संख्या में निकले कार्यकर्ताओं के द्वारा जब ये पोस्टर लगाए जा रहे थे, तब निगम और पुलिस प्रशासन को किसी प्रकार की जानकारी नहीं लगी। हालांकि पोस्टर को लेकर सुलभ कॉम्प्लेक्स कर्मचारियों का कहना था कि निगम अधिकारियों को इस बात से उसी समय अवगत कराने के बाद किसी भी प्रकार का कोई एक्शन नहीं लिया गया। पूरे मामले को लेकर अपर आयुक्त अभय राजन गावरकर से चर्चा की गई तो उनका कहना था कि निगम के शौचालयों का काम अनूप गोयल जी देखते हैं, आप उनसे बात करो, यदि ऐसा कुछ दिखता है तो मैं दिखवाता हूँ। वहीं पत्रकारों ने जब गोयल से चर्चा करने की बात कही तो उन्होंने कहा कि जानकारी लगते ही हमने ये पोस्टर हटवा दिए थे, लेकिन रविवार को भी ऑर्बिट मॉल के समीप बने सार्वजनिक शौचालय पर पोस्टर जस के तस लगे हुए थे। निगम के अधिकारियों को अब तक ये जानकारी नहीं है कि ये पोस्टर किस संगठन के द्वारा लगाए गए। एबी रोड पर लगे इन पोस्टरों को लेकर जब विजय नगर थाने से बात की गई तो थाना प्रभारी रविंद्र गुर्जर ने कहा कि निगम के द्वारा या फिर किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा थाने पर कोई सूचना नहीं दी गई, यदि शिकायत मिलेगी तो आगे की कार्रवाई करेंगे। 18 अप्रैल 1669 को क्रूर मुगल शासक औरंगजेब ने एक फरमान जारी कर काशी विश्वनाथ मंदिर को ध्वस्त करने का आदेश दे दिया था। वहीं 1669 और 70 में इंदौर की रानी अहिल्याबाई होलकर ने काशी विश्वनाथ धाम का पुनर्निर्माण करवाया। रानी अहिल्याबाई के योगदान का शिलापट और उनकी एक मूर्ति भी श्री काशी विश्वनाथ धाम के प्रांगण में लगाई गई। औरंगजेब ने काशी का नाम औरंगाबाद भी कर दिया था। कथित ज्ञानवापी मस्जिद भी उसी समय की देन है। मंदिर को जल्दी जल्दी में तोड़ने के क्रम में उसी के गुंबद को मस्जिद के जैसा गुंबद बना दिया गया। नंदी वही रह गए, शिव के अर्घे और शिवलिंग को भी आक्रांता नहीं तोड़ सके। 1752 में मराठा सरदार दत्ता सिंधिया और मल्हार राव होलकर ने मंदिर मुक्ति का प्रयास किया, लेकिन हल नहीं निकला। औरंगजेब के फरमान के बाद 1679 में मुगल सेना ने विश्वेश्वर का मंदिर ध्वस्त कर दिया। स्वयंभू ज्योतिर्लिंग की कोई क्षति ना हो, इसके लिए मंदिर के महंत शिवलिंग को लेकर ज्ञानवापी कुंड में कूद गए थे। हमले के दौरान मुगल सेना ने मंदिर के बाहर स्थापित विशाल नंदी की प्रतिमा को तोड़ने का प्रयास किया था, लेकिन तमाम प्रयासों के बाद भी वो नंदी की प्रतिमा को तोड़ नहीं सके।